हरियाणा के कई जिलों, कई शहरों और कई कस्बों में किसानों और आढ़तियों ने जमकर प्रदर्शन किया। किसान और आढ़ती एक साथ मिलकर सड़क पर उतर आए हैं। प्रदेश की सड़कों पर किसानों और आढ़तियों का ये प्रदर्शन सरकार के उस अध्यादेश के खिलाफ थे जिसमें फसलों की एमएसपी प्रणाली को खत्म किया गया। ये प्रदर्शन उस अध्यादेश के खिलाफ जिसमें ओपन बाजार व्यवस्था लागू की गई है, इसी को लेकर किसान और आढ़ती एकजुट होकर सड़कों पर आ गए हैं। अध्यादेश को खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं। का विरोध करने के लिए ये सारा जनता इकट्ठी हुई है। किसान और आढ़ती सांझे तौर पे ये आंदोलन चला रहे हैं, सरकार से लड़ाई लड़ रही है। जब तक सरकार हमारी डिमांड पूरी नहीं करती, क्योंकि ये आढ़ती और किसान का रिश्ता खत्म करने तक नहीं है। आढ़ती और किसान का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है। जब तक ये इस रिश्ते पर तोड़ने पर डटे रहेगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे। सिरसा, करनाल, नारायणगढ़, कैथल, भिवानी, सोनीपत और कई जिलों में किसानों और आढ़तियों ने प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर पर विरोध जताया गया, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया। आढ़तियों का पक्ष है कि नए अध्यादेश से उनकी मंडियां खत्म हो जाएंगी, काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। दिल्ली का तख्तोताज किसान खिलाने की क्षमता रखता है। सरकार से एक बार फिर किसान इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि सरकार को अपने ये अध्यादेश, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंधित हो, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की कमर तोड़ना और किसान विरोधी ये फैसला है। किसानों का मानना है कि नए अध्यादेश से किसानों और आढ़तियों के बीच संबंध खराब होंगे, जिससे दोनों को नुकसान होगा। वहीं उनका मानना ये भी है कि सरकार नए मार्केट एक्ट में बदलाव करना चाहती है, जो कि उनके लिए घाटे का सौदा है।